यूपी के कुशीनगर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक घर से 170 पेटी क्रेजी रोमियो शराब बरामद की है। पुलिस ने 3 नामजद और 2 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले में क्रेजी रोमियो पकड़ा जा रहा है, इसका कौन है? मुझे जो अपने स्तर से जो है इंस्पेक्टर कादिया ने लगाया था, और जहाँ तक मुखबिर की बात है ये बताना सही नहीं होगा। बहरहाल पुलिस जो है मुखबिर पर जो है अपना मुखबिर रखी है और मुखबिर के से जो है ये कार्रवाई कर रही है। और तुरकोरिया गांव में जो है एक साबिर का मकान है, जिसमें जो है क्रेजी रोमियो की जो है दारू रखी गई थी, जो कि 164 पेटी बताई जा रही है। और ये दारू को रखने और जो है बेचने में जो है अमर सिंह कुशवाहा और गुल्लू सिंह का नाम आ रहा है, और साथ में जो है दो अज्ञात भी हैं जो कि इसमें शामिल हैं। और इसके संबंध में जो है इंस्पेक्टर कश्यप को निर्देशित कर दिया गया है कि जो है विधिक कार्रवाई है, विधिक कार्रवाई की। राजगढ़ में जमीनी विवाद को लेकर 2 समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान फायरिंग भी हुई, जिसमें करीब 13 लोग घायल हो गए। घटना ब्यावरा तहसील के करणवास इलाके के समेली गांव की बताई जा रही है। गंभीर घायलों को भोपाल रेफर कर दिया गया है। वहीं जानकारी के मुताबिक यहां कंजर और धनगढ़ समाज में काफी लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। जमीन पर कब्जे को लेकर धनगढ़ समाज के लोग पुलिस को लेकर गांव गए थे। इस दौरान कंजर समाज के लोगों ने हमला कर दिया। जवाब में दूसरे पक्ष के लोगों ने भी हमला किया। वहीं बताया जा रहा है कि घायलों में महिला, बच्चे और पुलिसकर्मी भी शामिल है। विवाद में दोनों पक्षों की ओर से गोलियां चली हैं। घटना के बाद जिले से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर गांव में तैनात कर दिया गया। वरिष्ठ अधिकारी गांव में पहुंच गए हैं और पुलिस को गांव से बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद हुए हैं। वही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक मामला हुआ था जिसमें फायरिंग भी हुई, क्या मामला था पूरा? मामला ये जमीन का विवाद है। हम लोग थाने पर थे, थाने पे सूचना प्राप्त हुई कि दूधी के पास जो है दूधी के कंजरों का और समेली के धनगरों का विवाद हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, गोली चल गई, ये सूचना मिली। वहाँ पर मौके पर जब आए तो एक तरफ दूधी के कंजर थे, एक तरफ जो पूरे समेली के जो है धनगर थे, वहाँ पर विवाद है जमीन। ग्वालियर के गोवर्धन थाना इलाके के कस्बे राधा कुंड में नहाते वक्त डूबने से परिक्रमार्थी श्रद्धालु युवक की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव बाहर निकलवाया और पंचनामा भर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्या नाम है बेटा आपका? सुरेंद्र। कहाँ के निवासी हो? खरे से आगे एक रैपा जाट गांव है, तो वहाँ पे रहते हैं हम। तो ये जो डूबे हैं इनका नाम क्या है? इनका नाम युवराज है। कैसे कहाँ के रहने वाले और कहाँ से आए हो, कैसे आए? हम रैपा जाट से आए, खरे से आगे एक रैपा जाट गांव पड़ता है जी, वहाँ से आए हैं हम। क्या हुआ था, कैसे ये ऐसा हुआ था? 5 बजे की बात थी जी। तो ये पहला गया, पहले पानी भरने के वो नहाने के लिए जी, तो ये मैं नीचे उतर गया जी, फिर उसके बाद में मैं गया जी, तो जाओ पैर रपट गए। नहाने के लिए गए थे? हाँ, तो जाओ पैर रपट गए। कितने लोग थे साथ में? हम 5 लोग थे, 3 तो नीचे थे, वो 3 ऊपर थे, 2 नीचे थे। इतना ये गिर गया नीचे, इसने मेरा हाथ पकड़ लिया, तो इसके संग मैं भी चले गया। अच्छा, तुम लोग भी डूबे थे? मैं भी चले गया नीचे। तुम कैसे बचे? मैंने तो 3 दफे अपने हाथ छोड़ दिए। अच्छा है, तो जन कैसे मैं आ गया अपने आप पार पे। अच्छा, क्या नाम है इनका? युवराज। कितनी उम्र होगी? 16 साल। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में आज सावन के पहले सोमवार को मंदिर में भगवान भोलेनाथ को जल अभिषेक करने के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर में जल चढ़ाने के लिए लाइन लगाकर भगवान शंकर की पूजा अर्चना करने के लिए लगे रहे। सावन महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना का अलग ही महत्व है, इसलिए कोई भी भक्त भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से पीछे नहीं हट रहा। सावन का पहला सोमवार है, पूजा के लिए सब भगवान का है, और जो है श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं, भीड़ लगी हुई है, पूजा पाठ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रशासन के तरफ से किसी प्रकार का आपको आप मंदिर पे किसी प्रकार की परेशानी या? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं। क्या सुरक्षा का प्रबंध किया गया है यहाँ पे? हाँ, आप सुरक्षा लगी है, सिपाही हैं, 2-3 सिपाही हैं यहाँ पे।
तो किसी प्रकार की कोई इस तरह की घटना तो नहीं हुई है कि मतलब नहीं, किसी के द्वारा? यूपी के बिजनौर में तेजी से आ रहे एक ट्रक ने कावड़ियों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रॉली में सवार दर्जन भर कावड़िये बुरी तरह से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया है, जहां कुछ कावड़ियों की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। ये ट्रॉली जिला संभल से आ रही थी, उसमें बहुत सारे श्रद्धालु थे जो जल चढ़ाने के लिए हरिद्वार जा रहे थे। एक दुर्घटना उनके साथ हुई यहीं लगभग नेटवर्क से 2 किलोमीटर पीछे। उसमें क्या हुआ कि कांवड़ से काफ़ी ट्रॉली में नुकसान हुआ, डीजे टूट गए, 2 व्यक्तियों के चोटें आई, काफ़ी लोग परेशान हो गए। पुलिस ने उनको जिला अस्पताल में भर्ती करा और एक व्यक्ति को बाहर रेफर किया, शायद उससे फ्रैक्चर हो सकता है। स्थानीय लोगों ने उनकी काफ़ी मदद करी और सब उनके साथ हैं। कांवड़ती अपने को अकेले न समझे, पूरी नेटवर्क नगर की टीम उनके साथ है।